कमाल की बात ये है कि मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन सीख रखा है, इमेजिन उसके बाद ये हालत हो गई है। आई जस्ट कॉम माय हेयर। पीछे देखो पीछे। आ जा आ जा, कोई बात नहीं। अरे इट्स ओके, व्हाई यू पीपिंग लाइक दैट? क्या पहन रहे हो? कपड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? कपड़े ही पहनोगे? मतलब क्या पहन के जा रहे हो? ये क्या हो गया? आरफ का टिफिन यूज कर लिया मैंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज एक शूट करने जा रही हूँ, फिर से एक और वेब सीरीज़ है। अभी रतलाम से वापस आई हूँ और एक और वेब सीरीज़ की बात चल रही थी, फाइनल हो गया था, मुंबई में ही शूट है उसकी, तो अभी बस जाना है। आई थॉट कि चलो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ यहाँ का भी, एंड आई डोंट नो हाउ मच वहाँ पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन दिखा दूँगी। तो 4 दिन का काम था और कोइंसिडेंटली आरफ की हॉलीडेज़ में ही था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, इसकी छुट्टी ख़त्म होने से पहले पहले 4 दिन का काम और कर लेते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि शूटिंग की इतने सालों से आदत पड़ी है, तो हालाँकि यूट्यूब शूट करते हैं, बट दिस इज़ डिफरेंट, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो बस थोड़ा सामान रखने जा रही थी, आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने शूटिंग बैग में क्या क्या अपने साथ यूजुअली कैरी करती हूँ। आई जस्ट कॉम माय हेयर एंड पीछे देखो पीछे। आ जा आ जा, कोई बात नहीं। अरे इट्स ओके, व्हाई यू पीपिंग लाइक दैट? आ रहा है बब्बू, लेकिन प्लीज है ना वर्कशीट्स का लेना जरूर है ना, स्कूल खुलने वाला ना बेटा, कर लेना। लेकिन हंस क्यों रहे हो? करोगे ना? पक्का आने के बाद? आने के बाद मतलब मूवी देख के आने के बाद? ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल फनी वे जो मैं बाल करती हूँ ऐसे कोम, बट दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ऐसे आ जाता है, पूरा हसर की तरफ आता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आर हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और फनी रीज़न है क्यों मैं इस तरह से कोम करती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरह से पुल करने से भी बहुत फ़ायदा होता है, और गिर रहे हैं अगर बाल तो प्लीज चिंता मत कीजिए, वो ऑलरेडी टूटे हुए ही बाल होते हैं जो निकलते हैं, सब रूट्स वगैरह में ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ना दूसरा फनी रीज़न ये है कि थोड़े बहुत बाल तो सबके निकलते ही हैं, मेरे भी जैसे 2-4 निकले ही हैं अभी, अब शायद 8-10 निकले होंगे, तो एक ही जगह पर गिरते हैं और मैं फिर उन्हें समेट के डस्टबिन में डाल देती हूँ। अदरवाइज क्या होता है ना कि कोम करो तो फिर वो बाल इधर उधर अगर ऐसे खड़े होकर करते रहे ना तो इधर उधर गिरते हैं, फैलते रहते हैं, तो मैं ऐसे नीचे करके एक ही जगह इकट्ठे कर लेती हूँ सारे, उसके बाद उनको डस्टबिन में डाल देती हूँ ताकि इधर उधर फैले नहीं पूरे घर में। सो दिस इज़ वॉट आई एम टेकिंग विद मी। मैं अपना ना खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करती हूँ, और आज आरफ का टिफ़िन यूज़ कर लिया मैंने, कुछ कोई मिल नहीं रहा था बॉक्स जो कि थोड़ा एयर टाइट हो इसलिए। ओके, तो ये हैं ड्राई रोस्टेड मखाने जो कि मुझे आहार वेदा की डाइट में कहा गया है कि कभी भी मैं खा सकती हूँ, ये रख लिए हैं मैंने। लंच करके जाऊँगी घर से क्योंकि दिन का कॉल टाइम है, और ये अगेन आरफ का ही टिफ़िन है एक्चुअली। ये है मेरा फेवरेट कुरमुरा, ये भी होममेड है, जो बहुत हल्के से ऑयल में बनता है ना, मूंगफली डाल के कुरमुरा, वो बनाया हुआ है। इसकी मैंने शायद रेसिपी भी दी थी एक बार। और ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, दैट इज़ बादाम और किशमिश रखा है। खजूर मैं सुबह घर पे खा चुकी हूँ इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ, नहीं तो मैं खजूर भी कैरी करती हूँ, काफ़ी एनर्जी देती है हमें एकदम। एंड ये रहा मेरा छोटा सा केटल कप, एंड हालांकि वहाँ पे शूट पे सब कुछ खाना पीना एवरी थिंग इज़ देयर, टी कॉफ़ी जो भी हो, बट मेरी आदत है, मैं प्रेफर करती हूँ कि अपना होना ही चाहिए। दिस इज़ माय ग्रीन टी, क्या पता जैसे सपोज़ मुझे ये ग्रीन टी चाहिए ये नहीं मिले या कुछ है, अदरवाइज शूट पे एवरी थिंग इज़ देयर, पर क्या करें वो आदत पड़ी है ना। ओके, सो दिस इज़ माय प्रेयर पाउच जो कि हमेशा साथ में रहता है, खाली टाइम में मेडिटेशन प्रेयर रेकी वगैरह कर लेती हूँ, एंड दीज आर माय डायरीज जो पेंडिंग काम है आज का हमारा, YouTube का भी काम चलता रहता है, बाकी हमारे जो होती हैं चीज़ें वो भी थोड़े लिखे हुए नोट डाउन की हैं सो दैट आई कैन फिनिश। एंड मेकअप कैरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मे नो मेकअप लुक है, बट आई एम कैरिंग दीज थिंग्स, आई एम कैरिंग माई सनस्क्रीन ऑफ लेट फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग दिस वन, एंड मैंने अब स्विच भी कर रही हूँ सारे, धीरे धीरे कर रही हूँ कोशिश कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करूँ। तो ये अयुगा का कुमकुम आदि मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, और वो जो वाइट वाइट होता है वो भी नहीं इससे होता है। एंड उसके पहले मैं ये वाली यूज़ कर रही थी तो मैंने रख ली, आर्म्स वगैरह पे अगर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो बाहों वाहों पे, अभी लगाई है दोबारा ये लगा लूँगी, बट फेस पे आई एम यूजिंग दिस वन। अब जो चीज़ें रखी हैं उन्हें वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो मैं बाहों पे गले पे इन जगहों पे लगा लूँगी। दिस पाउडर आई ऑलवेज कैरी, बिकॉज क्या है कभी कभी स्वेट आता है आउटडोर शूट्स में, तो अंडर आर्म्स में डाल लूँ सो इट डज़ नॉट, वो स्मेल नहीं देता है। ओके, एंड माई फेवरेट परफ्यूम हैज़ टू बी देयर, मिंट चाहिए ही मुझे हमेशा, मिंट के बिना तो यू नो बड़ा अनहाइजीनिक लगता है। ओरल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बाकी कुछ ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे मेकअप वगैरह खास, एक हैंड क्रीम छोटी रख लेती हूँ ये वाली, एंड बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी खाना पीना। हाँ, चार्जर्स मैं रख लूँगी अपने दोनों फ़ोन के, हेड बैंड या नेक बैंड जो बोलते हैं ऐसे, ये रख लूँगी। एक मार्कर पेन रखूँगी, मुझे स्क्रिप्ट में ना हाईलाइट करने की आदत है, हाईलाइट करके पढ़ती हूँ मैं हमेशा यूजुअली। एंड दिस इज़ माय पाउच, इसमें मैं यूजुअली सेट पे कुछ सामान रखना हो ना, मेकअप का थोड़ा बहुत या कुछ है तो ये इसमें रख लेती हूँ। ये कैसे दिखाना भूल गई आपको, वन बुक हैज़ टू बी देयर विद मी, क्योंकि खाली टाइम होता है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे आराम से बैठ के बस बुक पढ़ते रहो। इनफैक्ट घर पे कई बार टाइम नहीं मिलता है, 100 कामों में बिजी होते हैं। सो दिस इज़ द वन आई एम कैरिंग, दिस इज़ द सेकेंड और द थर्ड टाइम आई एम रीडिंग दिस बुक, आई हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि उफ, इट इज़ एन अमेजिंग बुक। तो प्लीज़ पढ़िएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स भी हैं, रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। कौन सी मूवी जा रहे हो? स्पाइडर मैन। मैं मिस करूँगी आपको, मैं तो शूट पे होंगी। हो गया रेडी? पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, स्पाइडर मैन। बता दिया यार आपने, कार्टून फिल्म देखो जाके। रेडी हो रहा ना? क्या पहन रहे हो? कपड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? कपड़े ही पहनोगे? मतलब क्या पहन के जा रहे हो? समरी लाइट कॉटन शर्ट। ओके, क्या है? बाय बाय, एंजॉय। बाय बाय, सी यू, एंजॉय योर शूट, ऑल द बेस्ट। शाम को या रात को देखो, रात को ही मिलेंगे शायद, रात तो हो ही जाएगी। कहाँ लेके जा रहा, कार्टून दिखाने? बाय बाय। मतलब इतनी बुरी हालत तो मेरी कबर्ड की कभी भी नहीं हुई है, दोनों कबर्ड की हालत एकदम खराब हो रही है, टाइम निकाल के करना पड़ेगा ठीक, कपड़े बाहर गिर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन सीख रखा है, इमेजिन उसके बाद ये हालत हो रही है। आई थिंक गर्मियाँ हैं तो ये दो में से कुछ सोच रही थी पहनने के लिए, यही निकाला, मुझे लग रहा है मैं यही पहनूंगी। गर्मियाँ मतलब वाइट मेरे लिए, इसके साथ ब्लू डेनिम्स अच्छी लगेंगी, ब्लू डेनिम्स निकाल लेती हूँ। हैंगर्स हर जगह, लाइट ब्लू डेनिम निकालती हूँ, वो अच्छी लगी। बाप रे, कुछ नहीं निकल भी पाएगा, माई गॉड गिर गिर ना जाए कहीं, माई गुडनेस रियली डिफिकल्ट। बाप रे, नहीं ये तो ब्रॉड लेग जीन्स है, वाइड लेग जीन्स नहीं। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू व्लॉग इट ऑल्सो, आप लोगों को दिखाऊंगी अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद देखते हैं कितने दिन तक अच्छी रहेगी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है नहीं ठीक थी ना, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मेरी जो फेवरेट लाइट ब्लू जीन्स है, जो थोड़ी अच्छी फिटेड है, वो मुझे मिल नहीं रही है और मुझे चाहिए ही चाहिए अभी। दिस इज द वन, आई थिंक दिस इज द वन, लेट मी सी। यस 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 यस, वो भी सीधी नहीं रखी, उल्टी है, यही है। इसकी फिट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड दिस इज फ्रॉम आई थिंक आजियो से ली थी मैंने। यस, DNMX करके है, DNMX करके ब्रांड है, आजियो से मंगाई थी दो तीन जीन्स, तो ये है। मैं ऑलमोस्ट एक महीना हो गया सेम खाना खा रही हूँ, बस जब मैं रतलाम गई थी शूट के लिए तो थोड़ा दाल चावल वो बस चेंज किया था, अदरवाइज मेरी आयुर्वेदा की डाइट में एक महीना मुझे यही खाना था। ज़्यादा से ज़्यादा चेंज जो होता है वो ये होता है कि कोई पत्ते वाली सब्ज़ी बदल जाती है, चौलाई हो जाती है, या मेथी या पालक, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है। तो हाँ, चीट डे पे खाती हूँ, चीट डे दिखाऊंगी आपको। तो फिर भी मैं अब एक महीने से वही खा रही हूँ, तो वही थाली दिखाऊंगी। सो लेट्स सी माय थाली। तो आज मेरी थाली में एक बार फिर से हैं मेथी आलू, भिंडी की सब्जी, ज्वार की रोटी, 2 अखरोट, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, 1 चम्मच सफ़ेद तिल छोटी वाली चम्मच, और मूंग की साबुत दाल जो हरी दाल होती है ना वो, और साथ में सैलड में खीरा। तो ये है मेरा हैप्पी हेल्दी काफ़ी टाइम से फिक्स्ड लंच, आप भी इंजॉय कीजिए, लेकिन बदलते रहिए अपना हैप्पी हेल्दी लंच। खाना खा के हम शूट के लिए चलेंगे। अभी 1 बज गया है, एंड सुबह से मैंने जो है वही सनस्क्रीन लगाई है, लेकिन मैं टोनर से एक बार क्लीन करूँगी फेस को, फिर से सनस्क्रीन लगाऊँगी, तब शूट के लिए निकलूँगी। एंड दिस इज एल्प्स गुडनेस एलोवेरा हाइलुरोनिक एंड स्क्वाडलेन हाइड्रेटिंग टोनर, बड़ा लंबा नाम है इसका। वही अयुगा की सनस्क्रीन, कुमकुमादी सनस्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई थी वो लगा रही हूँ। अच्छा, ये बता दूँ फ्रेंड्स, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना, और क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद आ गई है इसलिए 50+ है इसका SPF।
मुझे अपनी कैल्शियम खा रही हूँ. फ्रेंड्स, मैं कैल्शियम डेली लेती हूँ. आफ्टर आई थिंक व्हेन आई एंटर माय 40s ना, तब से रोज लेती हूँ. एंड एक वो कोल्ड की मेडिसिन है, कोल्ड हो रहा है थोड़ा, डॉक्टर ने दी थी वो. फ्रेंड्स, मैंने ना कैब बुक कर ली है इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुझे पता चला पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड बहुत दूर भी है, दूर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि पार्किंग की काफ़ी टेंशन है, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है पार्किंग ढूंढते ढूंढते. कैब में आराम से बैठ के जाऊँगी. और ये है मेरी वैनिटी. Because I was eating after so long ना, मतलब ये मेरा डाइट जब से चल रहा है तो मैं चाह के भी बहुत ज़्यादा खा ही नहीं पा रही थी. I wanted कि मैं पूरा वो फिनिश कर दूँ. We went to the two states जो था ना, साउथ इंडियन एंड पंजाबी फूड वहाँ मिलता है, two states से. So हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये भी खा रहा, वो भी था, पर हो नहीं रहा था. आई वॉज फीलिंग वेरी सैड ऑल्सो, यार मेरा आज मन है तो मैं खा नहीं पा रही हूँ. उसके बाद एक और चीट डे हो चुका है. देन आई वॉज शूटिंग इन रतलाम अभी, वहाँ भी एक छोटा सा वेब सीरीज के लिए गई थी, तो वहाँ पे भी मेरा चीट डे थोड़ा हुआ था ना, एट लिटिल टाइम लिटिल मोर देन यूजुअल. मतलब आपका रेगुलर से थोड़ा जब ज्यादा हो जाता तो आपका चीट डे हो जाता है. नहीं नहीं, रेगुलर खाना होता है तब. रेगुलर खाना हुआ तो चीट डे इज इट. सो कॉफी पिया फिर? Yes, yes, coffee तो मतलब especially coffee. तो मैं आप लोग को पूरा लुक तो नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, लेकिन बता दूँ कि हाँ, मैं इसमें एक गरीब लेडी बनी हुई हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी तो कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्राइम के ऊपर है, ये भी बता दूँ. एंड फिर जब आएगी तो आप लोग देखिएगा. तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ बिकॉज अभी मुझे सेट पे जाना होगा, फिर वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है. एंड आई विल कम बैक सून. सी यू. सरप्राइजिंगली मेरा इतनी जल्दी बैकअप हो गया. इट्स अ टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हो गया. मुझे लग रहा था रात बात हो जाएगी, लेकिन एकदम फटाफट बैकअप हो गया. एंड आई एम ग्लैड. और इस तरह का रोल मैंने पहले कभी नहीं किया, सो इट वॉज लाइक इट वॉज न्यू टू मी एब्सोल्युटली. हमेशा ही एक्टिंग ना चीज़ ही ऐसी, ऐसा लगता है जैसे कि हर रोल ऐसा लगता है कि पहली बार ही एक्टिंग कर रहे हैं. बट गॉड्स ग्रेस अच्छा हो गया. एंड बस मेकअप हल्का सा था, मैंने वाइप से उतार लिया. सनस्क्रीन के बिना नहीं निकलती मैं बाहर. अभी शाम हो गई है लेकिन हल्की सी धूप है, वो जो डूबता सूरज होता है ना, हल्की सी धूप है. सो आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन एंड आई मूव. कैब बुक करा लेती हूँ फटाफट एंड चलते हैं घर. मैंने देखा था फ्रिज में कटा रखा है, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ. सही बात है, खाओ दोस्त भी हेल्दी खाना खाते हैं. मैं आ गई जल्दी वापस. अच्छा है ना, देखो हम दोनों मैचिंग हो रहे, व्हाइट व्हाइट पहना हुआ, दोनों ने ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, है ना. चलो खा लो. मैं भी, मैंने रास्ते में भूख लगी थी, मखाने खाए थोड़े से. रास्ते में भूख लगी थी, बड़ा पाव खाया. नहीं नहीं, काश खा पाती, लेकिन आहार वेदा खाने नहीं दे रहा है. चीट के दिन खाऊंगी इस बार समोसा जरूर. और ये है हमारी ऑनलाइन सेशन जो देव ले रहा है, सबको एक्सरसाइज करा रहा है, बच्चों को भी एंटरटेन कर रहा है. अरे वाह, हाउ स्वीट. छोटे बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो ग्रीन टी पीते पीते मैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ. फ्रेंड्स, ये जरूर देखिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मुझे भी हाल ही में नॉलेज हुई है आयुर्वेदा के थ्रू. तो रात के टाइम मुझे बोला गया मैं खिचड़ी खा सकती हूँ आराम से, लेकिन नॉर्मल राइस की नहीं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये मैंने कटोरी में ले लिए हैं, आधी कटोरी समझ लीजिए, वरी राइस. यहाँ महाराष्ट्र में तो इसे वरी राइस बोलते हैं, VARI.
लेकिन अदरवाइज इसे व्रत के चावल बोलते हैं, बहुत लोग व्रत के चावल बोलते हैं, कई लोग स्वांग के, कुछ इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं इसके। ये वाले चावल लिए हैं मैंने और अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं, समझ लीजिए ऐसे छोटी सी एक मुट्ठी मूंग की दाल, ये डाल दी मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 गुना पानी, मतलब ये पौनी कटोरी है तो मैं तो भर भर के, एक्चुअली मुझे ढीली वाली थोड़ी खिचड़ी अच्छी लगती है और ये फूलते बहुत ज़्यादा हैं, तो 4-5 कटोरी पानी डाल देती हूँ इसमें। तो ये ही चावल क्यों खाने हैं, नॉर्मल राइस क्यों नहीं खाने हैं? वैसे तो नॉर्मल राइस भी मैं खाती थी, अभी इस दौरान मतलब ये जो पीरियड चल रहा है मेरा आयुर्वेदा एसिडिटी वाली डाइट जो है उसमें नहीं खा रही हूँ। हाँ जिस दिन चीजें होता है खाती हूँ, लेकिन ये ही क्यों खाने हैं, ये एक्चुअली आपको बताऊँ तो चावल नहीं होते हैं। यस दिस इज नॉट राइस, इसीलिए इन्हें व्रत में भी खाया जाता है क्योंकि ये एक तरीके का बीज होता है, ये एक सीड होता है जो कि चावल के साथ ही उगता है। लेकिन अगर मैं इसके फायदे आपको बताऊंगी ना आप हैरान हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि अब मैं भी कोशिश किया करूंगी कि हफ्ते में एक आध दिन ही नॉर्मल राइस खाऊं, बाकी सब दिन जो है यही वाले खाऊं, क्योंकि व्हाई नॉट, डब्बा लेना एक्चुअली इसके लिए नया नया डालने के लिए डब्बा खत्म हो गया। तो हल्दी डाल दी मैंने, थोड़ी सी हींग डाल दी है, नमक डाल दिया है, बस सिंपल सा। इसके ऊपर मैं छौंक लगा दूंगी, छौंक लगाऊंगी मिल्क प्रोडक्ट्स मना है तो घी का नहीं लगा सकती छौंक, वरना घी का लगाती तो ये, मुझे सरसों का तेल एक्चुअली पसंद है काफ़ी, तो मैं सरसों के तेल का कई बार लगा देती हूँ। उसमें थोड़ा लहसुन डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी हींग और डालती हूँ, तो क्या होता है कि वो सादी एकदम खिचड़ी बिना मिर्ची का खाना है ना, तो वो भी बड़ी स्वाद सी लगने लगती है। ट्राई करके देखिएगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये चावल जो है ये बीज है, आप सुनेंगे इनके फायदे हैरान हो जाएंगे। ये हमारी बॉडी में जो है फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं, जो कि बहुत बड़ा फायदा है, और उसके साथ ही वेट लॉस में बहुत काम करते हैं। मैं हालांकि वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, हेल्थ के लिए खा रही हूँ। एंड बहुत सारा फाइबर होता है इनके अंदर, और उसके साथ हमारे इंटरनल मतलब जो भी हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह है उन्हें हील करते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, इसलिए अगर तबीयत वगैरह खराब हो, पेट ना सूख तो भी खा सकते हैं। एंड बहुत एनर्जी देते हैं, जो ये ताकत है ना, एनर्जी जो हमें है नॉर्मल राइस से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो आई एम श्योर कि ये सब फायदे सुनने के बाद आप वरी राइस ज़रूर यूज़ करना पसंद करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम किनोआ किनोआ करते हैं ना, वो दूसरा वो भी बीज होते हैं, अलग होते हैं, तो किनोआ राइस अंग्रेजी चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा वरी राइस हिंदुस्तानी चीज़ हो गई। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये लोग खिचड़ी ज़रूर ट्राई, आप ये लोग ये खिचड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अभी आपको तड़का लगा के टेन दिखाऊंगी, बस ये एक विसल होने वाला है फ्रेंड्स, और एक विसल हो जाएगा तो मैं इसे 5 to 6 minutes के लिए सिम पे रख दूंगी, 5 मिनट रख दूंगी एक्चुअली, इतना हो जाते हैं वैसे ही टाइमर लिया। गाइस जब तक खिचड़ी बन रही है मेरी, तब तक मैं आपको ये कह दूं, एक्चुअली मैं अपना इंट्रो देना भूल ही गई, मैं लता सा बनवा लूं, इट्स टू लेट टू गिव इंट्रो नाउ। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, और आपको क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, सब मुझे लिखते रहिएगा, बताते रहिएगा, ताकि मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोज बनाती रहूँ। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, तो छौंक देख के जाइएगा फिर। ओके गाइस तो 7:30 बज रहे हैं और आप तो जानते हैं कि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो मैं अब जो है छौंक लगाने जा रही हूँ। और मुझे ये भी बताया गया आयुर्वेदा में कि हम जो है, वैसे अभी पता भी चल गया था मुझे भी, कि जो वाइट एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं वो ना यूज़ करें, और स्टील के में बनाएं या जो भी तड़का वगैरह लगाएं। तो ये लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, आई विल जस्ट शो यू, तो बस चम्मच से मेजर करके डाल दूंगी मैं, 1 teaspoon हो गया, लेकिन थोड़ा सा और डाल रही हूँ हल्का सा, क्योंकि खिचड़ी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा बनी है मुझे ऐसा लग रहा है। इसे अब थोड़ा सा हम जलने देंगे, आप चाहें तो सेम तड़का घी का लगा सकते हैं, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, एंड चॉइस से ज़्यादा क्या मुझे घी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। बहुत सारे अलग स्टफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं सीधी हो जाती हूँ। तेल होने लगा, ये क्या हो गया, बापरे गड़बड़ की मैंने थोड़ी, अब आप लोग बोलोगे इसे काम कुछ आता नहीं है ढंग से करना, पर क्या करूँ मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। ऐसे पहले हींग डालते हैं लेकिन मैं भूल गई, तो मैं अब डाल देती हूँ, खिचड़ी में भी डाली थी बट स्टिल आई लव हिंग।
और मुझे थोड़ा सा जला हुआ ब्राउन लहसुन वैसे पसंद है, इसलिए मैं और ब्राउन कर रही हूँ इसे। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा जीरा, सेक में पका लेती हूँ हल्का सा, हो गया। खिचड़ी की शक्ल दिखाती हूँ आपको, फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल खिचड़ी जैसा ही टेस्ट आता है इसका, और दाल चावल की तरह भी ये चावल खा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही लगती है एक्चुअली। देखने में आई जस्ट शो यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज का दिन समाप्त होता है, अब मैं डिनर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन जरूर लिखिएगा कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। लव यू ऑल।